गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 7th मार्च 2024 के करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी इन इंडिया. भारत का पहला सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान कौन से शहर में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज नोएडा, ऑप्शन बी इज पटना, ऑप्शन सी इज नागपुर एंड ऑप्शन डी इज चेन्नई. यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान जो है इसके अंडर भारत का पहला सिटी स्पेसिफिक यानी कि शहर में ही जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, शहर के स्पेसिफिक उसी के अराउंड जो प्लान बनाया गया है, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान जो है वो नागपुर में लॉन्च किया गया जो कि महाराष्ट्र में है. नागपुर का जो जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान है इसका एम क्या है कि नागपुर की सभी बिल्डिंग्स को इस तरह डेवलप करना कि वो नेट जीरो कार्बन एमिट करें 2050 तक. तो ये इसका एम है. और पूरे ग्लोब में देखें, पूरी दुनिया में देखें, बाकी 5 शहर और हैं जहां पर ये एक्शन प्लान जो है लॉन्च किया गया. एक है कीनिया, एक है कोस्टा रिका, एक है टर्की और एक है कोलंबिया जहां पर ये इम्प्लीमेंट हो रही है. जीरो कार्बन बिल्डिंग्स ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि अपना लाइफ साइकिल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं ऐसे मेथड्स की तरह, जिससे क्या होता है कोई ऑपरेशनल मेथड है, कोई एंड टू एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो कम करते हैं. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जो कम्फर्ट लेवल है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, चाहे वो विजुअल कम्फर्ट है चाहे वो थर्मल कम्फर्ट है. जो जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान है ये वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने 2021 में लॉन्च किया था अपने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ. तो आपको ये हर चीज ध्यान रखनी है. आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नागपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 रिपोर्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय. वमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड ऑप्शन डी इज यूनाइटेड नेशंस. यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 रिपोर्ट जो है रिलीज की है. इस रिपोर्ट के अंदर क्या चीजें मेजर की जाती हैं? ऐसे लॉज जो कि वुमेन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करते हैं और 190 इकोनॉमीज में वो चीज मेजर की जाती है. इस रिपोर्ट में ऐसी इकोनॉमीज को असेस किया जाता है, इकोनॉमीज को 10 इंडिकेटर्स के बेस पर जो है असेस किया जाता है. कौन कौन सी? वुमेन की सेफ्टी, मोबिलिटी हो गई, वर्क प्लेस हो गया जहां पर काम करते हैं, सैलरी हो गई, पे हो गई, मैरिज हो गई, पेरेंटहुड हो गया, चाइल्ड केयर, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स और पेंशन, हर चीज जो है एज ए इंडिकेटर उसमें देखी जाती है. तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है. ऐसी रिपोर्ट्स जो होती हैं इसमें से जो डेटा है वो आप अपने क्वेश्चंस में एज एन एग्जांपल भी कोट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट लेक्स आर सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट. ग्रेट लेक्स जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है? ऑप्शन ए इज नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी इज अफ्रीका, ऑप्शन सी इज एशिया एंड ऑप्शन डी इज यूरोप. यहां पर आप देख सकते हैं ग्रेट लेक्स जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है. ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में थे क्योंकि वहां पर जो आइस कवर है अभी वो एवरेज से भी कम जो रिकॉर्ड किया गया है लगातार दूसरे साल लगातार, जैसे 2023 मान लो, 2022 मान लो, तो लगातार 2 साल वो एवरेज से कम रहा. ग्रेट लेक्स किन कौन कौन सी लेक्स आती हैं? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो. ये सबसे बड़ा फ्रेश सरफेस वाटर सिस्टम बनाती है हमारी धरती पर. जो पानी है ग्रेट लेक्स का, लेक सुपीरियर से जो फ्लो करता है वाया लेक ह्यूरॉन, देन लेक मिशिगन, देन लेक एरी एंड देन लेक ओंटारियो. तो लेक सुपीरियर से लेक ओंटारियो में पानी जाता है बाकी लेक्स के थ्रू और उसके बाद अटलांटिक ओशन में ये पानी चला जाता है सेंट लॉरेंस रिवर के द्वारा के थ्रू. लेक मिशिगन के बिना जो बाकी की लेक्स है वो एक नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है कैनेडा और यूएस के बीच में. तो इसको मैं आपको मैप में दिखाती हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यही कनाडा को आप यहाँ पर दिखाया गया है, इधर है यूएस, तो इन दोनों में बॉर्डर बनाती है. यहाँ पर है लेक सुपीरियर, इससे पानी आता है लेक ओंटारियो में. आप देख सकते हैं ऐसे लेक जो हिरोन, लेक मिशिगन और लेक एरी के थ्रू, उसके बाद ये सारा पानी ड्रेन होता है कहाँ पर? अटलांटिक ओशियन में. तो ये आपको चीज ध्यान रखनी.
और इसके अलावा सेंट लॉरेंस रिवर का नाम भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं ये। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली लाख बेंगल्स गॉट जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच सिटी इन इंडिया। लाख बेंगल्स को, लाख बेंगल्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, वो कौन से शहर से बिलोंग करती है। यहाँ पर आपको शहर पूछा गया है। ऑप्शन ए इज चेन्नई, ऑप्शन बी इज हैदराबाद, ऑप्शन सी इज कोची एंड ऑप्शन डी इज जयपुर। यहाँ पर देख सकते हैं लाख बेंगल्स ऐसी एक एग्जाम्पल की तरह पिक्चर लगाई है। ये काफी यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जानी जाती है, काफी सिग्निफिकेंस भी है इनका। हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल फॉर्म है ज्वेलरी की, जो कि नेचुरल रेजिन से बनती है और उसके बाद स्टोन्स और बीड्स यूज होते हैं इसमें। कहाँ से ये जो है जिसको जीआई टैग मिला है, हैदराबाद से, जो कि तेलंगाना में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हैदराबाद। ये हैदराबाद का दूसरा प्रोडक्ट है जीआई टैग मिलने वाला, इससे पहले हलीम जो है वहां का, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय। संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ऑप्शन बी इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड ऑप्शन डी इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव जो है इसका, इसको लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने। क्या एम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट में एक रेवोल्यूशन लेके आना, इतना ज्यादा चेंज करना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग और मैनेजमेंट बिल्कुल ही वहां पर क्रांति आ जाए। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी एक सोल्यूशन ऑफर करती है वर्चुअल रेप्लिकाज। वर्चुअल रेप्लिका होता है जो आपको एक पिक्चर की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल दिखा कि वो रियल में नहीं आपको दिख रहा है, वर्चुअली रेप्लिका होता है फिजिकल एसेट्स का, सो दैट आप रियल टाइम में उसको मॉनिटर कर सको। साइमुलेशन होती है, मान लो आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग की एग्जाम्पल देती हूँ, तो वहां पर उनकी जो ट्रेनिंग के टाइम पे साइमुलेशन होती है, वो एक्चुअल में जो एयरक्राफ्ट है वो नहीं चलाते पहले, पहले उनको एक जो साइमुलेशन की जाती है एक वैसे ही वो चीज रेप्लीकेट की जाती है कि आपको लगे आप जहाज ही चला रहे हो, बट वो एक्चुअल में साइमुलेशन होती है। तो इसमें भी वही किया जाएगा, उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा, फीडबैक दी जाएगी, सो दैट ऑप्टिमल आउटकम्स जो भी चाहिए वो अचीव कर सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर अंडर रिवर मेट्रो टनल इन विच स्टेट इन इंडिया। इंडिया की पहली अंडर रिवर मेट्रो टनल कहां पर इनॉग्रेट की गई है। ऑप्शन ए इज केरला, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी इज उत्तराखंड। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, हुगली रिवर स्टार्ट्स हियर। हुगली रिवर कहाँ पर है, कोलकाता में, तो वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो टनल जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट की। ये जो मेट्रो टनल है ये कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाई गई है, जो कि हावड़ा मैदान को, एस्प्लानेड जो ये दोनों लोकेशन है इनको ज्वाइन करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये इंडिया की पहली अंडर रिवर मेट्रो टनल है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2008 OS7 टर्म इज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज अ डैश। 2008 OS7 टर्म न्यूज में रिसेंटली देखी गई है, ये क्या है, एक एस्ट्रॉइड है, एक रॉबर्ट है, एक नई प्लांट स्पीशीज है, या फिर एक नई एनिमल स्पीशीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2008 OS7 जो है ये एक एस्ट्रॉइड है, जो कि जिसकी इमेजेस नासा ने कैप्चर की है। एक काफी बड़ा स्टेडियम साइज का एस्ट्रॉइड है, जो कि धरती के पास से रिसेंटली वहां से क्रॉस किया है। 2008 OS7 एस्ट्रॉइड का है अपोलो क्लास नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, जो कि सूर्य को उसके आसपास ऑर्बिट करता है, रिवॉल्व करता है 2.6 इयर्स में एक बार। और ये क्या करता है, जो वीनस प्लैनेट है उसके ऑर्बिट के विद इन ट्रेवल करता है और उसके बाद मार्स के बियॉन्ड चला जाता है। तो मार्स, वीनस और मार्स के जो ऑर्बिट से इनके बीच में ट्रेवल करता है 2.6 इयर्स में एक बार, सन को ऑर्बिट करता है। अपोलो क्लास का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, ये एक एस्ट्रॉइड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एस्ट्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सलमा डैम इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। सलमा डैम कहाँ पर है, कौन से देश में है।
ऑप्शन ए इज यूएसए, ऑप्शन बी इज फ्रांस, ऑप्शन सी इज अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी इज चाइना। तो यहाँ पर आप मैप में लोकेशन भी देख सकते हो, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर है सलमा डैम। तो सलमा डैम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि वहां के हरी रिवर है, जो हरी नदी है, अफगानिस्तान के हिरात प्रोविंस में वहां पर बनाया गया है, जिसकी फंडिंग की है हमारे भारत की सरकार ने, और इसको इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से जाना जाता है। ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो आपको याद रखना है आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चक्षु पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। चक्षु पोर्टल भारत की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड पोर्टलवेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक जो लगाया हुआ पिक्चर, चक्षु रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा, अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड कम्युनिकेशन होता है उसको आप रिपोर्ट कर पाओगे इस पोर्टल पर। कोई भी सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन हुई, कोई कॉल के थ्रू, एसएमएस, व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, साइबर क्राइम के लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, कोई भी फेक कस्टमर सर्विस है, केवाईसी अपडेट, इसी चीजों को आप इस पोर्टल के थ्रू रिपोर्ट कर पाओगे। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अश्विनी वैष्णव जी ने ये लॉन्च किया है संचार साथी पोर्टल पर, जो कि एक पायनियरिंग इनिशिएटिव है जिसके थ्रू जो नागरिक है उनको एम्पावरमेंट की जाती है कि वो एक्टिवली रिपोर्ट करें कोई भी सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन होती है तो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां पर आप देख, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस बाई 2023 U1 इज अ न्यूली डिस्कवर्ड मून अराउंड विच प्लैनेट। एस बाय 2023 U1 एक नया मून डिस्कवर किया गया है किस प्लैनेट के अराउंड? ऑप्शन ए इज नेपच्यून, ऑप्शन बी इज सैटर्न, ऑप्शन सी इज यूरेनस एंड ऑप्शन डी इज वीनस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस सब्लिक 2023 U1 जो है ये यूरेनस प्लैनेट के अराउंड एक मून जो है ये आइडेंटिफाई किया गया है, ऐसी एक पिक्चर या इसकी जो है जो पिक्चर रिलीज की गई है। जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने दो नए मून जो आइडेंटिफाई किए हैं, एक तो नेपच्यून प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है और एक यूरेनस प्लैनेट के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है। इससे क्या है, नेपच्यून के टोटल 16 मून हो गए और यूरेनस के 28 हो गए। जो यूरेनस के मून है उसको लेवल दिया गया है एस बाय 2023 U1, 680 दिन का ऑर्बिट है इसका यूरेनस के अराउंड। दो नए मून जो नेपच्यून के लिए किए गए हैं उस पेयर का नाम दिया गया है एस बाय 2002 N5, जो कि नेपच्यून को हर 9 साल के बाद ऑर्बिट करते हैं, उसके अराउंड घूमते हैं। यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, ये सन है, इसके अराउंड एक मर्क्यूरी है, देन इधर वीनस है, देन अर्थ है, इसके बाद मार्स है, देन जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। पहले प्लूटो भी होता था लेकिन बाद में प्लूटो जो है ये प्लैनेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। पहले 9 प्लैनेट माने जाते थे सोलर सिस्टम के, अब 8 ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूरेनस। दूसरे का नाम भी याद रखना है एस बाय 2002 N5। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।